अल्लामा इकबाल अलरहमत इकबाल बैठे हुक्का बेचकने लाहौर अनारकली जी कोठी ना ये बड़ी अजीब गल ने यह तुसा कदे घट ही सुनी उसी शायद मैं किधरे बयान की हो एक मजदूर आया अल्लामा बार ममालिक ना तालीम याफ्ता और जदीद उलूम ना माहिर डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं डॉक्टर डिग्रियां तो कई चाह के फिर रहे फिर लेकिन इकबाल कोई कोई मा जमनी है समझ आई ना ये अपना अपना इकबाल है इकबाल ना ना इकबाल नहीं गया उस ना इकबाल भी बुलंद आ ते मजजूब आया ये भी एक बड़ा अजीब खाता हो रहा है ये भी कोई अजीब दुनिया है ये अजकल जेडे आम फिरने होने इन लोगों ते भुलेखा ना खाया करो हाँ लोगों ते भुलेखा ना खाओ जी भाई ये भी जेड़ा गंदे बंदे कपड़े पा के फिरना हो मजजूब है फकीर है ना ये गल नहीं वह गुदड़िया ले लाल कोई होर होने ओ अल्लाह उन्होंने पहचान दा सुनना कि ये खास बंदे ओ कोई मकाम रसीदा मजदूर है ओ आया ना पौड़ी उत्ते चढ़ के अल्लामा इकबाल एक गल पे सोचने बड़ी देर ने मुफक्किर आदमी है एक बंदा मैं पूछो लगे फोटो अल्लामा इकबाल नहीं तकने होने ना इस तरह रखे बैठे तो बंदे नहीं ख्याल ही नहीं बैठे भी है ते ओ ख्याल च बैठे ये ख्याल ही नहीं ओ ख्याल च बैठे ते जिहड़ा किसी ने ख्याल च बैठा होवे वो इंज ही बहना होना है जी ओ ख्याल बैठे सोच सोच के ते अपना जो अंदर सवाल पैदा होया ना उस ना अल्लामा साहब को जवाब नहीं बनना है इसने जवाब के सवाल के है सवाल यह है कि मंसूर इतना बड़ा आरफ और आलम आदमी उस अनल हक क्यों आ गया अल्ताफ शाह के इतना बड़ा आलम ते आरफ आदमी उस अनल हक क्यों आख्या कोई चला कला भी नहीं है यार समझदार आदमी है उस क्यों यार हरकत करती फिर जो सैयद ताइफा जुनैद बगदादी जे आदमी फतवा देना पे असल मंसूर ना या वालिद ना ते यूसुफ गालबन उन्होंने ना आया जेडे मंसूर ने ना नाल मशहूर यूसुफ बिन मंसूर मलिक वालिद ना दे मंसूर मशहूर हो गए मंसूर उन्होंने वालद ने नाम है जेडे सूली चले ते एक वजह है सोच 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 के कई दिन लामा गुजर के इतने जिक मजलूम चढ़िया मजलूम पौड़ियां ते चढ़ के ना अली बख्श नौकर होना है अल्लामा साहब ने वह खलता है ते अल्लामा साहब सोच सोच के ते मजलूम उत्ते आया अल्लामा सोच रहा है सोच ऐसी चीज है फिक्र ऐसी चीज है ख्याल ऐसी चीज है जो अभी मफहूम अल्फाज से आशना नहीं होता उसको ख्याल कहते हैं जिस ख्याला लफ्जा आले छुया ना होवे वो ख्याल होना है समझ आई तुसी ये बंदे कितनी गल्ला सोचने पे हो तुसा किसी पता है मैं के पे सोचना तुसी के पे सोचने ना ये सिर्फ वो जानना कोई किसी ने मुतलक नहीं आख सकना या ओ जिसा दसे ही गैब आने ने ओ जिसा दस छोड़े ओ गैब हो गए उसा गैब आने ते चीज आदर हो गई ख्याल लफ्जा ते आशना नहीं होया सोच रहा अल्लामा और एवं नहीं उलामा नहीं सोच रहा अल्लामा सोच रहा एक कौन है उलामे एक कौन है अल्लामे फर्क है एक कौन है औलिया एक कौन है और लिया हैं जी एक कौन है औलिया एक कौन है और लिया
अल्लामा बैठा है सोच रहा है, मजजूब आया उसे शेर पढ़िया, उस आख्या अनल हक गुफ्तने मंसूर तावीले नमी खाहत, अनल हक गुफ्तने मंसूर तावीले नमी खाहत, गदा गुम्मी कुनत खुदरा चो दौलत मी कुनत पैदा, तावीले नमी खाहत, गदा गुम मी कुनत खुदरा चो दौलत मी कुनत पैदा। मजजूब के आख्या ख्याल तू अल्लाह ताला उसा मुतले कर छोड़िया कि अल्लामा इकबाल के सोच रहा है, इसका जवाब दे। ए मैं एक मजजूब की गल कर रहा जेड़ा केड़ा कोई अल्लामा भी नहीं, बस तजल्ली ए जात पै गई किसी लमे। वे उसनी बारिश ढेरां ते वस विनी है ते बंदियां ते नहीं वसना, वो बंदियां विच वसने वाला बंदियां उते नहीं वसना। मैं के आख्या के बंदियां ने दिला विच वसने वाला बंदियां उते नहीं वसना, ते बारिश अगर ढेरां ते वस सकनी है बागां ते ते नहीं वसनी ना, रोजिया ते मसीता ते भी वसनी ते टेरां ते भी वसनी है, ते कजे ए जे किसी आजज ते वस विंजे ते उसां कोई डक सकना है। बस उस मजजूब ते वस गया ते उसां इत्तला दे छुड़ी के ए चोटी ना पड़े आई ते ए सोच सकने ही। ते अल्लामा इकबाल आ पता नहीं कि अली बख्श खलोता है वो के सोचना पे है, अल्लामा नहीं पता, लेकिन उस मजजूब फटे पुराने कपड़े वाले आ पता है के सोच रहे। समझ आई? ते अल्लामा इकबाल आ सारी उम्र तालीम जेड़ी है वो उकदा नहीं हल कर सकी, एक दरवेश ने हल किया, एक फकीरे हक मस ने हल किया। एक मिनट, उस फकीर जिसा इलम भी कोई नहीं, जहरी पढ़िया भी नहीं, भैड़े हालात, कोई शक्ल सूरत भी नहीं, गंदा मंदा आदमी आया तो उस मसला हार छोड़े, तो अल्लाह उसने दसिया ना कि इकबाल के पे सोचना है। मैं आगे तुसा दस कितने बंदे बैठे हो, तुसा के पता है, कोई बंदा दस सकना है कि बंदा के सोच रहा है, उसने किस दसिया? अल्लाह दसिया। ते अल्लाह उस लाहौर ने गलियां फिरने वाले मजजूबा दस सकना है, ते कमली वाले नहीं दसना।